नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे न्यूज चैनल वॉइस ऑफ इंडिया में। मैं अमरजीत कौर, खबर पंजाब से। पंजाब का जिला मोगा विकास में सबसे पिछड़ा जिला बताया जाता है, जहां निगम काउंसिलों और मेयर के बीच हमेशा तनाव रहता है। आज लगातार हो रही बारिश में आम जनता के साथ साथ मोगा पुलिस के कर्मचारियों की जीप भी पानी में फंस गई, जिसमें चार पुलिस वाले भी पानी में फंस गए। आप देख सकते हो किस तरह पुलिस की जीप पानी में फंसी पड़ी है और पुलिस वाले अपनी जान बचाने के लिए किस तरह हाथ पैर मार रहे हैं। यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी एक बस पानी में फंस गई थी, जिसकी सवारियों को निकालने के लिए फायर ब्रिगेड का सहारा लिया गया था। अगर अब भी वक्त रहते प्रशासन नहीं जागा तो कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। मोगा से विपिन ओकारा की रिपोर्ट, आप देखते रहिए वॉइस ऑफ इंडिया।